तो बेहतर यह है कि मैं खास कर कन्फर्म एम्प्लॉय से दरख्वास्त करूंगा। ये तो पीड़ित लोग हैं, दस बहाने हैं इंतजामिया के पास दूर करने के टेम्परेरी आदमी को, लेकिन कन्फर्म एम्प्लॉय इस पर कोई डर नहीं है। तो मेरी ये अपील है तमाम आम मूवी जो कन्फर्म कर्मचारी हैं कि वो इनके दर्द को अपना दर्द समझें, ये एहसास करें कि अगर नौकरी चली गई तो इनके बच्चे क्या खाएंगे। किसी पे कर्जा है, कोई किराए के मकान में है और दो महीने के अंदर बहुत से बच्चों को दूध भी नहीं मिला, ये एहसास होना चाहिए कन्फर्म एम्प्लॉयज को। और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी कभी मीटिंग होगी, और जहाँ ही मीटिंग होगी, तो 1400 आदमी नहीं बल्कि 3-4 हज़ार आदमी कन्फर्म एम्प्लॉयज यहाँ मौजूद होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा होना चाहिए कन्फर्म, उन्हें डर नहीं है, इनको डर है। मैं जानता हूँ टेम्परेरी एम्प्लॉयज का स्टेटस क्या होता है, कितने लूट उनके पीछे होते हैं, इसलिए गानी साहब मेरी तरफ देख रहे हैं। ये मैं इसी अपील के साथ कि मैं कर्मचारी नेताओं से ये अपील करूँगा कि वो जो मसले उठाएँ, तो मेरे जहन में जो मसले आ रहे हैं वो आते हैं कि इनकी नौकरी बचने का एक ही तरीका है, स्क्रीन कमेटी एंड DBC। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम।